ये आकाशवाणी है। स्वस्थ भारत श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है विश्व हृदय दिवस पर विशेष चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मैक्स अस्पताल साकेत नई दिल्ली के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ भारत श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। ये दिन हृदय रोगों और इनके निवारण के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा मृत्यु दिल के रोगों की वजह से होती है। दिल से जुड़े विभिन्न रोगों की वजह से हर साल करीब 1,79,00,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत हुई और साल 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। अगर हम देखें तो इस बीमारी की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि हृदय रोग जो है उसका दुनिया में बीमारियों से होने वाली मृत्यु में जो परसेंटेज है वो 16% हिस्सा है लोगों का। श्रोताओं, वर्ल्ड हार्ट डे पर आपके हृदय रोगों से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं मैक्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं। आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में फेलोशिप मिल चुकी है। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर बलबीर को पद्मश्री से सम्मानित किया है। और इससे पहले कि डॉक्टर बलबीर हमारे साथ जुड़ें, आपको हम ये बता दें कि आप भी हृदय रोगों से संबंधित सवाल डॉक्टर बलबीर से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342174 यानी 011 दिल्ली का कोड 2342174 है हमारे स्टूडियो का नंबर, इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप @AIRNews जो कि हमारा ट्विटर हैंडल है #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी आप कर सकते हैं। और इस बीच डॉक्टर बलबीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को वर्ल्ड हार्ट डे की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो उसकी शुभकामनाएं आप सबको। जी, और क्योंकि ये विषय ऐसा है डॉक्टर बलबीर, तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हमारा हृदय स्वस्थ रहे इसके लिए हमें किस तरह की जीवन शैली को अपनाना चाहिए। तो अगर मैं हृदय की बात करूं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर हृदय ठीक चल रहा है जी तो सारी बॉडी ठीक चल रही है। अगर हृदय में कुछ गड़बड़ आती है तो बाकी बॉडी ऑर्गन्स भी एक एक करके खराब होते जाते हैं जी। तो हमें हार्ट हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ठीक रखना है। दूसरी बात यह है कि हार्ट की बीमारी टाइम नहीं देती जी, यानी कि मरीज को चेस्ट पेन हुई उसके बाद कुछ ही टाइम है, कई बार कुछ मिनट्स, कई बार कुछ घंटे, किस मरीज को कितना टाइम मिलेगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हार्ट का जितना हम ख्याल रखें उतना कम है, हमें कोई टाइम नहीं मिलने वाला जब बीमारी स्ट्राइक करती इलेक्ट्रिक स्ट्रॉम की तरह शुरू हो जाती जी। और डॉक्टर बलबीर, अगर हम देखें तो भारत में बड़ी संख्या में लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, इसका क्या कारण है? और अक्सर देखने में आता है कि जो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो हमारे देश में जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो ज्यादा प्रोन हैं हार्ट डिजीज के लिए। तो दो चीजें हैं, एक तो हम जिस गति से हार्ट डिजीज बढ़ रही है इंडिया में उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसी ग्रेट स्टडीज नहीं है कि बता सकें कि कितनी रेट पे बढ़ रहा है। दूसरा, हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, यानी कि हमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज की तरफ ले जाते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? डायबिटीज ज्यादा होती है हमें, हाइपरटेंशन ज्यादा होती है जी। और यही फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज को करते हैं। तो इसलिए हार्ट पेशेंट्स इंडिया में US या यूरोप से कहीं ज्यादा है।
जी, और डॉक्टर बलबीर, हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। अभी हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा कि किस तरीके से ऑल ऑफ सडन जो है उनकी डेथ हो गई। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में भी जो मरीज है उसको समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसको जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि हार्ट डिजीज में कई बार टाइम नहीं मिलता है, और ये हमने जो सेलिब्रिटीज देखे रिसेंटली 6 महीने में, सबके साथ ये हुआ, उनको टाइम नहीं मिला, लेट पहुंचे हॉस्पिटल, तब तक बहुत देर हो चुकी। तो ये पक्का है कि हार्ट के सिम्टम्स शुरू होते ही जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। कई बार हमें सिम्टम्स लगते हैं और जब हम हार्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो टेस्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं है, गैस है या पेन मस्क्यूलर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप एक हार्ट अटैक होते हुए मरीज को अगर कहें कि नहीं गैस ही थी और वो लेट हो जाए हॉस्पिटल पहुंचने में, तो बहुत नुकसान होता है। और ये हुआ है, अब एक सेलिब्रिटी जो के जो स्टेज पे थे, उनको पसीना आया, चेस्ट पेन हुआ, घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर है, वो अपने होटल गए, वहां बैठे, वो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। जी, तो एक जो गोल्डन आर की हम बात करते हैं कि अगर जैसे ही लक्षण आते हैं, कुछ ऐसी बातें आपको देखने में लगे, तो आप तुरंत अस्पताल जाएं। डॉक्टर बलबीर, वो कौन से लक्षण हैं जिनसे हम ये पहचाने की कोशिश करेंगे कि ये लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हार्ट के अटैक के कई लक्षण हो सकते हैं, तो एक लक्षण नहीं है। तो हम सोचते हैं कि छाती में दर्द, कईयों को छाती में दर्द नहीं होता, जैसे डायबिटीज है, ओल्ड एज है, वुमेन, कई बार छाती में दर्द ही नहीं होता, उनका सिम्टम होता है घबराहट, अनइजीनेस, इसका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है कि अनइजीनेस, ऐसा लग रहा है कि छाती में भारीपन है, दोनों हाथों की तरफ भारीपन आ रहा है, गले में भारीपन आ रहा है, पसीना आना, बीपी ड्रॉप होना, घबराहट लगना, अनइजीनेस लगना, सांस के लिए बाहर दरवाजे खोलना कि दरवाजा खोलो मुझे हवा चाहिए, जो के केस में हुआ कि उन लोगों ने सोचा कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर, हवा नहीं आ रही, इनको बाहर हवा में भेजो तो ठीक हो जाए, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो रहा था। और डॉक्टर बलबीर, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, या वो अपने जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो कराते हैं, वो नॉर्मल आता है, लेकिन इसके बाद भी जब हार्ट अटैक आता है तो चूंकि वो पहले से एक पेशेंट नहीं होते, तो क्या ऐसा भी देखने में आता है कि वो लोग जिनके अंदर ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें अटैक आता है, एक दूसरी संख्या उनकी है जो हार्ट की बीमारी से पीड़ित नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें अटैक आता है, इसको आप कैसे दोनों को बताएंगे? तो मेजॉरिटी ऑफ हार्ट अटैक्स उनमें होता है जिनको पहले हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ सडन कार्डियक डेथ उनमें होती है जिनको पहले हार्ट की बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई कभी भी। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको हार्ट की बीमारी नहीं थी अब सडनली डेवलप हुई, उनको थी लेकिन वो नजरअंदाज हुई क्योंकि सिम्टम ज्यादा नहीं थे, कुछ टेस्ट नहीं किए गए टाइमली, तो मिस हुई। तो ये कहना गलत होगा कि हार्ट की बीमारी एकदम क्लॉट बना और चले गए, ऐसा हो सकता है। उनमें होता है जो स्मोकर्स हैं, यंग हैं, कि क्लॉट बन गए सीधा। नॉर्मली कुछ ना कुछ मिलता है, अगर ब्लड टेस्ट किया जाए, सीटी कैल्शियम चेक किया जाए, बहुत टेस्ट हैं हमारे पास जिससे हम पहले बता सकते हैं कि ये आदमी को हार्ट अटैक होने का चांस है कि नहीं। जी, और अपने हार्ट की हेल्थ पता करने के लिए डॉक्टर बलबीर, वो कौन कौन से टेस्ट हैं या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जिन्हें हमें पीरियोडिकली वो टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा हृदय स्वस्थ है? तो इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग मैं देना चाहूंगा जी। अगर मेरे पास एक आदमी आता है, वो मेरे को पूछता है कि मेरा क्या रिस्क है कि मेरे को हार्ट अटैक हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं अगले 10 साल में मुझे हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा? तो हम यही कहते हैं कि हम ज्योतिष विद्या तो नहीं जानते जी, हम पंडित तो नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? पहले हिस्ट्री, उसकी तरफ पूछते हैं सवाल कुछ, क्या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, किसी को यंग एज पे बाईपास या स्टेंट्स लगे,
किसी को हार्ट अटैक हुआ यंग एज में आपकी फैमिली में, चाहे मदर साइड से हो चाहे फादर की साइड से, तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह होता है कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है कि नहीं। तीसरा सवाल, आप स्मोक करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर स्मोक कर रहे हैं तो अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथा सवाल, आपका वेट कितना है, आपका वेस्ट हिप रेशो कितनी है। वेस्ट हिप होती है जो वेस्ट से ली जाती है और हिप के साथ मेजर की जाती है, तो वेस्ट हिप रेशो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये तो सिर्फ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन मिल गए। फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट करना चाहेंगे, जैसे लिपिड कोलेस्ट्रॉल, जैसे ब्लड शुगर। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बता सकते हैं कि ये मरीज का कितना रिस्क है। फिर एक HbA1c टेस्ट है जो डायबिटीज के लिए होता है, वो भी बता सकता है। फिर अगर यहाँ पे रुकते नहीं, अगर ये सब नॉर्मल आते हैं तो हम रुक जाते हैं जी। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ मिलती है और फैमिली हिस्ट्री हाई मिलती है, फिर हम एक CT कैल्शियम स्कोर करते हैं, जिससे हमें मदद मिलती है कि हम बता पाएं कि इसका क्या रिस्क है और इसको क्या दवा दे सकते हैं रोकने के लिए। तो इन चीजों से एक डॉक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकता है और आपको बता सकता है कि अगले 10 साल में आपका कितना रिस्क है। तो ये बहुत इजी पैरामीटर है। तो जैसा कि डॉक्टर बलबीर ने बताया कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें हमारे हृदय की के स्वास्थ्य का पता चल सकता है कि हम कितने फिट हैं, हमारा हार्ट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि स्वस्थ भारत श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मैक्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर अपने हृदय रोग से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे जो पहले कॉलर हैं मोहम्मद यामीन जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। यामीन भाई बहुत बहुत नमस्कार। सर नमस्कार, बलबीर सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार रेडियो वाला जी, बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि ये हमारे मिलने वाले हैं उनको जो कहते हैं स्टंट कहते हैं या छल्ले कह देते हैं, जैसे कि उनको डले हैं जी, उनको अटैक की दिक्कत हो गई थी राजीव गांधी हॉस्पिटल में जी, तो वो कितने दिन लोग चलेंगे मैं ये जानना चाह रहा था जी। बिल्कुल डॉक्टर बलबीर, ये बड़ा आम सवाल है। स्टंट एक ऐसी चीज है कि बहुत ज्यादा सुनने में आता है और कई बार लोग घबरा जाते हैं कि अब तो आपसे समझना भी चाहेंगे कि स्टंट करता क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए और इसकी जो लाइफ है वो कितनी होती है। तो स्टंट एक मेटल का बना होता है, छोटी सी ट्यूब होती है जो एक बलून के ऊपर लिपटी होती है। ये इतना पतला है कि माइक्रोमीटर में नापा जाता है, इतना थिन होता है। एक बाल की जितना थिन होता है, उतनी थिन वायर भी बना होता है। तो ये जहां ब्लॉकेज होती है उस पर हम पहले बलून करते हैं, रास्ता बनाते हैं, फिर इस टेंट को पास करके वहां पे टिका देते हैं उसको। इस टेंट के पर लिपटी होती है एक दवाई जो इसको दोबारा ब्लॉकेज को प्रिवेंट करती है। ये सब करने के बावजूद 10-15% में स्टेंट में ब्लॉकेज दोबारा आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं रीस्टेनोसिस। अब ये किसको आएगी, कैसे आएगी, हमारे पास फैक्टर्स हैं, हमें पता है किसको ज्यादा चांस है किसको कम चांस है, लेकिन फिर भी आती है। बाकी 85-90% बिल्कुल ठीक चलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जनरली सारी लाइफ ठीक चलते हैं, उस स्टेंट ठीक चलता है। और कोई नई ब्लॉकेज आ जाए तो हम नहीं कह सकते, अगर वो परहेज नहीं करते, दवाई नहीं लेते तो नई ब्लॉकेज आ सकती है। लेकिन स्टेंट मेजोरिटी ऑफ केसिंग में इतना पूरा लाइफ चलता है, तो 10-15% में रिस्क होता है कि दोबारा आएगी। अगर दोबारा आनी होती है जनरली पहले 2 साल के अंदर अंदर आ जाती है जी। जी बिल्कुल। और तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और स्टंट के नाम पे एकदम से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर बलबीर ने बताया कि किस तरह से ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है। और इस बीच रुख करते हैं बड़ौद का और जानते हैं महेश शर्मा जी से उनका आज का सवाल क्या है। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूं। नमस्कार रमेश जी। जी महेश जी अपना सवाल पूछिए। तो हम स्वस्थ रखने के लिए क्या सवाल जानते हैं, जैसे किसी को
जी आपसे बात करते हैं महेश जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें ये तो डॉक्टर बलबीर ने बताया। डॉक्टर बलबीर, हमारे एक लिसनर ये जानना चाह रहे हैं कि एंजाइना पेन क्या है, अक्सर लोग इसकी बात करते हैं, और ये कैसे ठीक हो सकता है? एंजाइना कहते हैं कि जब हम चलते हैं हमारी छाती भारी पड़ जाती है, छाती में दर्द होती है, ये तेज चलने पे ज्यादा होता है या सीढ़ी चलने पे ज्यादा होता है। हम बैठ जाते हैं पेन के साथ, थोड़ी देर वेट करते हैं, ये 2 से 5 मिनट में सबसाइड हो जाता है। इसको कहते हैं टिपिकल एंजाइना। ये हार्ट अटैक से अलग है। जो हार्ट अटैक में पेन होता है चलने पे या रेस्ट पे हो सकता है, और वो 15 मिनट से ज्यादा लास्ट करेगा, 5 मिनट में खत्म नहीं होने वाला। आपके रेस्ट करने के बावजूद वो चलता जाएगा, वो हार्ट अटैक का पेन है। और एंजाइना का पेन है कि एग्जर्शन पे हुआ, बैठे, वो ठीक हो गया। जी, और हमारे एक श्रोता नीरज ये जानना चाहते हैं कि इनके वॉल्व में लीकेज है, तो वॉल्व में लीक और इनको स्टंट भी डला हुआ है लेकिन लीकेज हल्का है, तो क्या इन्हें आगे कुछ प्रोसीजर कराने की जरूरत है, या कितना कॉमन है वॉल्व में लीकेज होना? वॉल्व में लीकेज होना काफी कॉमन है, लेकिन अगर ये माइल्ड है जैसे डिस्क्राइब कर रही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दवाइयां ही दी जाएंगे इस केस में। और फॉलोअप इको होता है, वो 6 महीने से 1 साल पे रिपीट किया जाता है कि ये लीकेज बढ़ ना जाए, लेकिन माइल्ड लीकेज के कुछ नहीं करना था। जी, और अंजू ये सवाल पूछ रही है कि जो हार्ट में अक्सर हम इसको रेगुलेट करने के लिए बाहर से कोई डिवाइस लगाते हैं, ये डिवाइस क्या होती है? अब हार्ट में कई तरह के डिवाइसेज हैं जी। एक सबसे सिंपल डिवाइस है पेसमेकर, जिनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है उनको पेसमेकर दिया जाता है। फिर दूसरी डिवाइस है जिसको कहते हैं आईसीडी, वो डिफिब्रिलेटर होते हैं। डिफिब्रिलेटर यूज किया जाता है जिनकी हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वो डिफिब्रिलेटर एक सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करते हैं। तो सडन लग जो रिदम डिसऑर्डर हो जाते हैं तो ये डिवाइस उसको चेक करती है और हार्ट को शॉक करके रिवाइव कर सकती है। जी। तीसरी डिवाइस होती है जिसको सीआरटी कहते हैं, वो रीसिंक्रोनाइजेशन है, जिनकी हार्ट पंपिंग पुअर होती है उनकी हार्ट पंपिंग को बढ़ाने के लिए होता है। कुछ और भी नई डिवाइसेज आई हैं जिनको, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, फिर हार्ट नेट 3, ऐसी चीजें आई हैं जो आर्टिफिशियल हार्ट है, वो अब रिसर्च में है और अर्ली स्टेजेस में है। जी, हेलो। हाँ जी, जी। तो आर्टिफिशियल हार्ट भी अब बन चुका है। आर्टिफिशियल हार्ट होता है जिनका हार्ट फेल हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, तो एक हार्ट लगा सकते हैं जो पंप करेगा, तो ये आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स है आज की डेट में, बट आगे जाके उम्मीद है कि ये काफी आगे बढ़ सकता है। जी, और डॉक्टर बलबीर रुख करते हैं कर्नाटक में बैंगलोर का, और बात करते हैं श्रीकांत जी से और जानते हैं उनका सवाल क्या है। श्रीकांत जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। विश्व हृदय दिवस पे एक छोटी सी बात भूल के अपना प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हार्ट की स्पेलिंग में एच को अंत में रखे तो अर्थ बनता है, और हार्ट में देखें तो हैप्पीनेस और एक्सरसाइज, एपेटाइट, रिक्रिएशन और टेंशन फ्री अगर हो तो हार्ट स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न ये है, जिस तरह पृथ्वी में 3 से 4 बजे के बीच में अक्सर भूकंप आते हैं, उसी तरह हार्ट फेलियर जो है वो भी अक्सर सुबह 3 से 4 के बीच में होता है, इसमें कोई कनेक्शन है? धन्यवाद। जाहिद जी, डॉक्टर बलवीर आपका बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद जो आपने हार्ट शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया। ये आपकी बात सही है कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग सर में आते हैं, ये नहीं कि 3 से 4, मैं कहूंगा 3 से 9-10 बजे तक इनका हायर इंसिडेंस है हार्ट अटैक्स का। इसका रीजन है कि सिंपैथेटिक ड्राइव, एक बॉडी में एक सिंपैथेटिक ड्राइव होती है जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, हमें अराउज करती है, हमें उठाती है, तो सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ जाती है जब इंसान उठने वाला होता है। तो इस सिंपैथेटिक ड्राइव से जब हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो यही मेन कारण है कि सर्केडियन रिदम कहते हैं इसको, सर्केडियन रिदम में हार्ट अटैक्स का हाईएस्ट चांस होता है अर्ली मॉर्निंग आवर्स। लेकिन क्या ये अर्थक्वेक्स के साथ कोई लिंक है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता। नहीं
जी, और डॉक्टर बलबीर शेजल ये सवाल कर रही हैं कि इनके फादर को स्टंट लगा हुआ है और जो पंपिंग है वो 20 से 22 प्रतिशत के आसपास है, तो ऐसे में पंपिंग को बढ़ाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इन्हें आईसीडी के लिए जाना चाहिए या सीआरटी एक ज्यादा बढ़िया डिवाइस होगी? लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि इसका मतलब हमारी जागरूकता बढ़ रही है इन बीमारियों के बारे में, बिकॉज ये कोई जो सवाल जिसने पूछा है इसका मतलब कि लोग अपनी डिजीज में इंटेलिजेंटली इन्वॉल्व है। तो सीआरटी और आईसीटी सिर्फ इसी से बता सकते हैं कि उनके ईसीजी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है कि नहीं। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो सीआरटी के लिए जाना, अगर नहीं है तो आईसीटी के लिए। जी, और दिल्ली से रमेश कुमार जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम के साथ। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। रमेश जी अपना अपने रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए और सवाल पूछिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नहीं, जी, रेडियो सेट की आवाज पहले धीमी कीजिए, आपकी आवाज ही को जैसे दर्द सा महसूस होता है, सांस फूल जाता है। जी, तो ये भी क्या हार्ट से संबंधित है क्या? जी डॉक्टर बलबीर, सीढ़ियों पर चढ़ना, सांस का फूलना, क्या ये हृदय की बीमारी की ओर संकेत करते हैं? बिल्कुल करता है संकेत। तो इस सिचुएशन में तीन चीजों से सोचता है सर, एनीमिया, हार्ट की बीमारी या लंग्स की बीमारी। ये एक डॉक्टर ही इजीली बता सकता है कि कौन सी बीमारी से सांस फूल रहा है। लेकिन अगर किसी का सांस फूल रहा है सीढ़ी चढ़ने में या तेज चलने पर, उसको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। जी, और हमारे एक श्रोता विनय ये कह रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक आया था लेकिन किसी वजह से, जैसा कि आपने बोल रहे हैं कि डॉक्टर बलबीर ने बड़ी अच्छी बात बताई कि लोग गैस्ट्रिक ट्रबल या दूसरी चीजों से इसको कोरिलेट करते हैं, वही इनके साथ हुआ और एक साइलेंट हार्ट अटैक हुआ लेकिन इनकी सांस फूल रही थी और ये समझ नहीं पाए और इनके दो दिन इस प्रक्रिया में चले गए। इसके बाद इन्होंने एनजीओ प्लास्टी या स्टंट लगवाने की कोशिश करी लेकिन बाद में ये सफल भी हुए, लेकिन इसकी वजह से इनका काफी पंपिंग लो हो गई है, काफी एरिया डेड हो गया है। तो अब ये क्या कुछ कर सकते हैं? एक तो अच्छी खबर यह है कि कई नई दवाएं आई हैं जो हार्ट पंपिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। तो हर ऐसी दवाई जो नई आई है उसको ट्राई करना चाहिए, और फिर अगर एफिशिएंसी 30% से कम है तो इनको मशीन, जैसे आईसीडी और सीआरटी की बात हुई, वो डॉक्टर ही बता पाएगा कौन सी मशीन लगनी, वो शायद मशीन लगेगी इनको। जी बिल्कुल। और डॉक्टर बलबीर, कई बार जैसा कि हमने अभी बात की कि जिम लोग जाते हैं या जो लोग वर्कआउट करते हैं, तो ऐसा कई बार वहां भी हमने, जैसा कि आपने भी बताया कि अक्सर ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ और काफी केसेस हम देखते हैं कि आदमी जिम में गया, वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद क्या इसका कोई लिंक हार्ट से होता है जिसकी वजह से उसे अटैक आ जाता है? तो ये जिम्स का मिथ है एक कि मैं जिम कर रहा हूं तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। तो ओवर जिमिंग भी अच्छी नहीं है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जिम्स में जो लोग जाते हैं वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को फिट बनाना चाहते हैं, जी उनको ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई नॉन हार्ट पेशेंट है या जिसके घर पे फैमिली हिस्ट्री या उसको डायबिटीज है, उसको पहले अपने टेस्ट कराने चाहिए बिफोर इनटू द जिम। फिर हैवी वेट्स बिल्कुल हेल्प नहीं करते, लोग अपने मसल्स की तरफ बनाते हैं कि हैवी वेट्स लिफ्ट करेंगे, वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं। फिर जिम में कुछ जिमर्स होते हैं जो प्रोटीन मिक्स देते हैं, वो प्रोटीन मिक्स भी अच्छे नहीं देखे गए। उसमें कई बार स्टीरॉयड होते हैं, जो एनाबोलिक स्टीरॉयड होते हैं, जो मसल्स बनाने के लिए होते हैं वो, लेकिन वो हार्ट के लिए चाहिए। तो ऐसी कई चीजें हैं जो जिम और हार्ट अटैक्स को लिंक करती हैं। तो हर जिम में अब मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो ज्वाइन करे उसमें कुछ बेसिक टेस्ट होने चाहिए, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बोलना चाहिए कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करो और उससे कोई सर्टिफिकेट लेके आओ कि कितना आप जिम कर सकते हो। क्योंकि एक जो जिम चलाते हैं उनके प्रव्यू से आगे है ये चीजें, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके जिम में जो लोग आए वो फिट हो और वो जो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन उनको दे रहे हैं वो करने के काबिल हो। जी, और इस बीच लखनऊ से मोहम्मद आरिफ जी जुड़ गए हैं। आरिफ जी नमस्कार। हेलो आरिफ जी। जी नमस्कार सर। जी जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आम तौर से तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से,
या दली या पान खाने से क्या भी दिल के ऊपर असर बैठता है? जी डॉक्टर बलबीर, देखिए तंबाकू तो बहुत खराब चीज है, हार्ट ही नहीं कई और भी ऑर्गन खराब करता है, जैसे लंग्स, जैसे कैंसर, टंग कैंसर, बकल कैंसर, बहुत कुछ करता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तंबाकू की बनी प्रोडक्ट्स, चाहे वो पान में हो, चाहे गुटखा में हो, चाहे सिगरेट में हो, तो वो तो बिल्कुल बैन है किसी के लिए भी। कोई 0% टॉलरेंस होनी चाहिए इस पे कि आपके घर में ना तो कोई लेगा और ना कोई कोशिश करेगा कि इस तरफ जाने की। जी, और डॉक्टर बलबीर, सितंबर के महीने को हम न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मना रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हमारा खान पान किस तरीके का होना चाहिए। और बहुत सारे श्रोता हमें सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि खान पान के साथ डॉक्टर साहब हमें किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि खान पान से बहुत लिंक्ड है हार्ट डिजीज। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नट्स, ये बहुत अच्छे माने गए। एक चीज जो हम कभी नहीं सोचते कि खराब है हमारे लिए, वो चीनी। चीनी को अब हम सोचते हैं कि इट इज अ व्हाइट पॉइजन, सो जो चीनी है वो भी बहुत खराब है क्योंकि इससे बहुत कैलोरी जाते हैं। फिर एडिटेड ड्रिंक्स जैसे कोक्स, पेप्सीज, ये बहुत खराब है बिकॉज इसमें बहुत कैलोरीज जाती है, बहुत शुगर जाती है, ये भी बहुत खराब है हमारे लिए, हार्ट के लिए, तो ये भी नहीं होने चाहिए। सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स ये बेस्ट है। अब कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, आपको खुशी होगी कि सिंपल ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है, जैसे देसी घी, वो भी खराब नहीं है। देसी घी को कई हार्ट के डॉक्टर्स कहते हैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, बट शायद ये गलत है। कुछ मॉडरेशन में ऑयल्स यूज कर सकते हैं, ऑयल्स मॉडरेशन में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं तला हुआ आपको खाना, लेकिन ऑयल्स यूज करने हैं, मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल, देसी घी थोड़ा क्वांटिटी में, ये सब आप यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और चलते चलते ब्रिजमोहन जी जुड़ गए हैं बुध विहार दिल्ली से। ब्रिजमोहन जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए, समय बहुत कम है। अरोटी वाल चेंज हुआ था मेरा। जी जी बताए। मैं 18 वर्ष में चेकअप कराया था नेक्स्ट हॉस्पिटल में, 21-22 में मैंने इको कराया था, गुड़गांव में ठीक बताया था उन्होंने। जी इको आपने कराया था, वो ठीक आया। जी जल्दी से बताइए क्या पूछना चाहते हैं। ये मुझे कितने दिन में चेक कराना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। डॉक्टर बलबीर, कितने दिनों पर इको कराया था, ठीक आया है, आप दोबारा कब कराएं? इको सिर्फ एक टेस्ट नहीं है जो हार्ट का बताया। अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको और इको नॉर्मल आया तो अगले 5 साल आपको इको कराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई सिम्टम नए आते हैं, जो बीमारी कोई नई डेवलप होती है, तो शायद कराना पड़ेगा, लेकिन इको कोई गारंटी नहीं देगा। आज इको नॉर्मल है, कल हार्ट अटैक नहीं हो सकता, या परसों हार्ट अटैक नहीं हो रहा, तो कोई गारंटी नहीं है। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर बलबीर, आप वर्ल्ड हार्ट डे पर आकाशवाणी के श्रोताओं को बहुत छोटा सा क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे कंट्री में हार्ट डिजीज बहुत बढ़ रही है, इस समय हमें ध्यान देना है अपनी हेल्थ का, हमें खान पीन का, डेली एक्सरसाइज का, वॉक का, अपने वेट का, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करना, तो ही हम हार्ट को सेफ और हेल्दी रख पाएंगे। डॉक्टर बलबीर, आप स्वस्थ भारत श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। थैंक यू। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर बलबीर ने आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर यानी हार्ट डिजीज को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शिवरात्रि। अभी आप सुन रहे थे विश्व हृदय दिवस पर विशेष चर्चा, इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे मैक्स अस्पताल साकेत नई दिल्ली के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।